नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme Narzo 50 Pro 5G versus Vivo Y53s 4G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 50 Pro 5G में 6.31 इंच जबकि Y53s 4G में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 50 Pro 5G में 2.89 इंच जबकि Y53s 4G में 2.97 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो 50 Pro 5G में 0.31 इंच जबकि Y53s 4G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि 50 Pro 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो 50 Pro 5G में 181 ग्राम जबकि Y53s 4G में 190 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि 50 Pro 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 50 Pro 5G में सुपर AMOLED जबकि Y53s 4G में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 50 Pro 5G में 6.4 इंचेस जबकि Y53s 4G में 6.58 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 50 Pro 5G में 1080x2400 और Y53s 4G में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 50 Pro 5G में 84.21% जबकि Y53s 4G में 84.53% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 50 Pro 5G में 411 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Y53s 4G में 401 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो 50 Pro 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Y53s 4G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 50 Pro 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Y53s 4G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 50 Pro 5G में Mali G68 MC4 जबकि Y53s 4G में Mali G52 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 50 Pro 5G में MediaTek Dimensity 920MT6877T और Y53s 4G में MediaTek Helio G80 मिलता है। बात करें RAM की तो 50 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है, जबकि Y53s 4G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 50 Pro 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Y53s 4G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो 50 Pro 5G में नहीं है, जबकि Y53s 4G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो 50 Pro 5G में Android V12 जबकि Y53s 4G में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही दो कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 50 प्रो 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 23,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें Y53S 4G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 19,490 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme Narzo 50 Pro 5G में 7 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo Y53S 4G की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में 50 Pro 5G आगे है, मेन कैमरा में Y53S 4G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 50 Pro 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme Narzo 35G है, दूसरा Lava Agni 5G है, तीसरा Samsung Galaxy M33 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 11T 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।